हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन मेडिसिन में, जहां पे आपको मिलती है दवाइयों के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीलॉक टेबलेट के बारे में, जो कि गैस, एसिडिटी, बदहजमी के लिए बहुत ही अच्छी टेबलेट है। सो फ्रेंड्स, एसीलॉक टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ। दोस्तों, एसीलॉक टेबलेट को मैन्युफैक्चर कर रही है कैंडला फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि अच्छी कंपनी है। अगर बात करें कॉन्टेंट्स की, तो इसमें एक ही साल्ट डाला होता है रेनिटिडीन, जो कि 150 मिलीग्राम की मात्रा में इसके अंदर डाला होता है। यदि प्राइस की बात करें, तो इसके 30 गोली के स्ट्रेप की कीमत है 36 रुपीज, और ये आपको प्रत्येक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। आगे बात करेंगे इसके प्रयोग के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एसीलॉक टेबलेट का सेवन गैस, एसिडिटी, बदहजमी, खट्टी डकारें, पेट में अल्सर, तेजाब, सीने में जलन, एसिडिटी की वजह से सीने में दर्द या भारीपन, पेट में दर्द, पेट में अफारा हो, तो एसीलॉक टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के अलावा ज्यादातर डॉक्टर्स यह टेबलेट बाकी दवाओं के साथ भी देते हैं, ता जो उन दवाओं को खाने के कारण एसिड ना बने। अब बात करेंगे एसीलॉक टेबलेट की कितनी डोज लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह टेबलेट सुबह शाम एक एक टेबलेट खाली पेट ले सकते हो। खाना खाने के बाद लेने से यह उतना इफेक्ट नहीं दे पाती, इसलिए इसे खाली पेट ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी ले सकते हो। यदि साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो कुछ मैनुअली साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि हर किसी को नहीं होते, जैसे वॉमिटिंग, दस्त और जी मिचलाना। और अगर आपको इनके अलावा कोई और भी साइड इफेक्ट दिखे, तो तुरंत इस टेबलेट का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। अगर बात करें यह टेबलेट प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बट इसका डोज अपने डॉक्टर या नर्स से कंसल्ट करने के बाद ही लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में इस दवा से रिलेटेड कोई भी सवाल या शंका हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।